हेलो गाइस, आई एम फैजाद अहमद फ्रॉम techie.com एंड वेलकम इलेक्शन नंबर 10। आज हम थोड़ा सा जो है वो एक प्रॉब्लम देखते हैं कि हमने जो ये व्यूज लोड किए थे 4, इनके अंदर प्रॉब्लम्स क्या है। ये जो हमने ब्रेक किए थे अपने HTML के एलिमेंट्स या HTML का कोड हमने जो ब्रेक किया था इन मल्टीपल व्यूज, तो इनके अंदर प्रॉब्लम क्या है। हालांकि ठीक है, कोई मसला नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग जो है परफेक्ट जो है वो चल रही है आपकी, लेकिन एक प्रॉब्लम जो है वो इसमें बिल्कुल जो है वो है। हम देखेंगे कि वो क्या है। तो header.php के अंदर अगर हम header.php फाइल के अंदर जाएं, तो यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे कि आप एक HTML आपने लोड करवाया, दूसरा HTML लोड करवाया। फॉर सपोज आपको एक पेज के अंदर कॉन्टेक्ट अस का एक जो है कंट्रोलर आप जो फीचर में बनाएंगे, फॉर सपोज उसके अंदर आपको एक जस्ट जो है प्लगइन चाहिए जो जस्ट आपको वहीं पे चाहिए, कहीं और आपको यूज करने की जरूरत नहीं है, आपको चाहिए वहीं पे। तो उसकी दो CSS की फाइल है, दो JSS फाइल है, फॉर सपोज। तो जब दो CSS की फाइल और दो JS की फाइल आप header.php के अंदर अटैच करवाएंगे, दो CSS और दो यहाँ पे CSS की करवा दी आपने, फॉर सपोज ऐसे दो CSS की आपने अटैच करवा दी यहाँ पे फाइल, और आपने दो JS की फॉर सपोज यहाँ पे फाइल्स हैं वो आपने अटैच करवा दी। ओके, 4 फाइल्स आपकी हो गई। फॉर सपोज कोई और कंट्रोलर आपने बनाया, ब्लॉक का कंट्रोलर, ठीक है, इन फ्यूचर में ब्लॉक का कंट्रोलर की जरूरत पड़ गई आपको एंड आपने ब्लॉक का सारा सिस्टम वहां पे बनाना है, तो वहां पे भी आपने जो है दो जो है वो प्लगइन आपको चाहिए होंगे, या मोर देन 2 या 1 या 3 ट्राई जो है वो प्लगइन चाहिए होंगे। फॉर सपोज वहां पे भी 2-4 जो है वो आपकी CSS की फाइल है, 2-4 JS की फाइल है, तो आपने फिर header.php के अंदर आए, आपने फिर यहाँ पे आने के बाद 2-4 फाइल्स जो है वो अटैच करवा दी, ठीक है, और आपने footer.php के अंदर आए और आपने यहाँ पे भी 2-4 फाइल्स जो है वो अटैच करवा दी। अब आप अगर आप रिफ्रेश करेंगे, ठीक है, और व्यू पेज सोर्स जो है वो करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी कितनी सारी जो है वो CSS की फाइल हो चुकी हैं और कितनी JS की फाइल हो चुकी हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि आपको चाहिए वो एक ही पेज पे। फॉर सपोज मैं आपको अभी दिखा देता हूं, हम शेक्जी की बात करते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ एक होम का कंट्रोलर ओपन करने के बाद, ताकि आपको जो है ईच एंड एवरीथिंग जो है वो क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है। कंट्रोलर एंड यहाँ पे होगा हमारे पास होम, होम होम होम, ये हो होम का कंट्रोलर है हमारे पास। मैंने आपको कहा था कि जो है आप इग्नोर करें फिलहाल। यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे देखें हमारे पास परफेक्ट जो है साइट चल रही है और परफेक्ट चीजें चल रही है। देखें मैंने यहाँ पे एक प्लगइन यूज किया हुआ है ये वाला, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये क्रॉबल का प्लगइन यूज किया हुआ है यहाँ पे, दूसरी दो बातें ये। अगर हम अपने व्यू पेज सोर्स खोल के देखते हैं, तो यहाँ पे आने के बाद आपको दिखाई देंगी हमारे पास दो चीजें, CSS और JS की चीजें, ये चीजें, ये टेस्टिमोनियल्स CSS, टेस्टिमोनियल्स CSS, और ये ऑल क्रॉबल, ये ऑल क्रॉबल, ये आपकी CSS की फाइल है। अब ये 4 CSS की फाइल यहाँ पे हैं, और अगर आप जो है वो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद देखेंगे, तो यहाँ पे जो है एक दो JS की फाइल भी यूज हो रही होंगी, जाहिर सी बात है, बिकॉज ये टेस्टिमोनियल JS है, ऑल JS है, तो ये टेस्टिमोनियल JS और ऑल JS, तो यहीं पे फाइल है बिल्कुल। और हम ऐसा करते हैं इनको, चलो ठीक है, बाद में देख लेते हैं, बिकॉज ऑफ
फाइंड आउट करना जो है वो बहुत प्रॉब्लम है. मैं अब ब्राउजर के अंदर जाऊंगा. इन सिंपल वर्ड यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा फाइल्स दिखा दे रही होंगी फोर CSS की, इन्हें ही ले लें आप. अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, ये तो हम हैं होम कंट्रोलर में, बाय डिफॉल्ट से सेट है होम मेरा. अगर मैं कोर्सेज पे जाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जाने के बाद मैं व्यू पेज सोर्स देखता हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे जो ये फोर फाइल्स हैं ये CSS की यहाँ पे अटैच नहीं होंगी. ये देखो, ठीक है, तो यहाँ पे अटैच नहीं, ये यहां तक अटैच है फाइल्स बस, ठीक है, यहां तक फाइल्स अटैच है. ये फोर फाइल्स, इनकी नीड सिर्फ जो है होम पे ही थी, तो ये क्यों बार बार आप लोड करवाएं जो है अदर जो है कंट्रोलर्स के अंदर या हर पेज के अंदर बार बार आपने लोड करवाएं जो है वो करवाएं, तो इससे क्या होगा आपकी एप्लीकेशन जो है वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगी. बिकॉज जितनी ज्यादा CSS की फाइल्स होंगी और जितनी ज्यादा JS की फाइल्स होंगी आपकी जो है वो सिस्टम के अंदर आपकी एप्लीकेशन के अंदर, तो उतनी ज्यादा जो है वो स्लो रेस्पॉन्स जो है देगी आपको आपकी एप्लीकेशन या आपका सिस्टम जो है स्लो रेस्पॉन्स देगा. बिकॉज जाहिर सी बात है जिस तरह से फाइल जाती है तो किसी के पास जो है स्लो नेटवर्क है, किसी के पास जो है फास्ट है, एंड जब ये तो जो है 10, 15, 20, 50 या 1000 यूजर से बिल्कुल ठीक चले, हो सकता है आपके जो है 1 मिलियंस जो है यूजर्स हों या बिलियंस यूजर्स हों, तो जाहिर सी बात है वहां पे जो है बिल्कुल डिले आएगा और आ सकता है, बिल्कुल आएगा, आ सकता है कि बात ही नहीं है, आएगा बिल्कुल आएगा. तो ये जो है वो छोटा सा प्रॉब्लम है जो बिल्कुल हम दूर करेंगे, और ये एक प्रॉब्लम जाहिर सी बात है ये हमारी फाइल के अंदर है जो हमारा कंट्रोलर है बिल्कुल इसके अंदर है, और हम इसे जो है वो कैसे जो है वो ब्रेक करेंगे तो अब हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे कि इसका हल क्या है, हम कैसे जो है कर सकते हैं. जाहिर सी बात है हम जो है HTML के एलिमेंट्स को पहले इस अंदाज में तोड़ा हुआ था, हमने ब्रेक किया हुआ था, अब हम जो ब्रेक करेंगे HTML के जो कंटेंट को वो किसी और अंदाज में करेंगे. सो आई थिंक आप हमारी सीरीज को एंजॉय कर रहे हैं, एंड अगर आप वाकई एंजॉय कर रहे हो तो थम्स अप, हमें सब्सक्राइब करवाएं हमारे यूट्यूब के चैनल पे, एंड हमें जो है ज्वाइन करें फेसबुक पे, ट्विटर पे, एंड जो है जी प्लस पे हमारे ऑफिशियल अकाउंट्स हैं, एंड खासकर इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम पे भी हमारा जो है ऑफिशियल अकाउंट है. एंड सबसे अहम बात, अगर आपको लगता है कि हम बहुत ज्यादा नहीं तो अच्छा ही काम कर रहे हैं, तो आप हमारे कोर्सेज को, हमारे वीडियोज को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ डिस्कस करना ना भूलिएगा. सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग.